तो गाइस लुक हमने क्या किया है, हमने बनाई है मैगी, माजा, चिप्स, सब कुछ हमारे पास में है और वी आर एंजॉयिंग आवर मैगी इन दिस ब्यूटीफुल वेदर। यहाँ पे हो रही है बारिश। वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग गाइस, ये है अपना अजमेर से लेके अबू तक का टूर, जिसमें मैं आपको बताऊंगी हमने वहाँ पे क्या क्या चीजें खाई। दो दिन का हमारा टूर था, बहुत ही बढ़िया बारिश हो रही थी। ट्रेन हमने ली थी सुबह 5:30 बजे अजमेर से, जो हमने तकरीबन मान के चलो 12 बजे के आसपास अबू पहुंचा दिया था। इस वीडियो में आपको सारी चीजें मिलेंगी जो आप वहाँ पे जाके 2 दिन के टूर में ट्राई कर सकते हो। तो जल्दी से कर लो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, क्योंकि ऐसी और वीडियो आपके लिए आती रहेंगी, चाहे वो राजस्थान की हो, इंडिया की हो या फिर हो आउट ऑफ इंडिया की। तो चलो आप शुरू करते हैं अपना अबू पहुँचते ही सफर, की हमने क्या खाया क्या नहीं खाया सब आपको दिखाते हैं। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ये है यहाँ की फेमस शॉप, अगर आप अबू में आते हैं तो इनकी रबड़ी बहुत ज्यादा फेमस है। ये यहीं पे बनाते हो मतलब पूरा फ्रेश। गाइस ये उबल रहा है अपना दूध। ये कब तक, कितना टाइम लेता है आंटी बनने में? 4 घंटे। बस ये है इनकी रबड़ी, ये रोज फ्रेश बनाते हो अंकल? अच्छा गर्म है बिल्कुल। और रोज कितना निकाल लेते हो? 40-50 किलो। अच्छा ठंडा भी हुआ है, गर्म के गर्म हमारे बिक जाता है। अच्छा गर्म के गर्म ही बिक जाता है। क्या रुपए प्लेट है? 440 रुपए किलो है। बहुत बढ़िया। तो गाइस अगर आप आबू आ रहे हैं किसी से भी पूछ लेना। आपकी दुकान का नाम क्या आंटी? मेरी दुकान का नाम है मेरा बड़ी की मेंडर भाई है। मेरी दुकान 1995 की है। अच्छा 30 साल से दुकान चलाते हैं। ये सबसे पुराना कारीगर है, वही रबड़ी बनाते। अच्छा रबड़ी लाने वाला यही है। तो बस हालत ऐसी हुई है, आराम से भी बैठे हम लोग, वॉशरूम जाकर आए हैं। इतने घंटे के सफर के बाद में ऐसा हो गया था कि क्या ही है मतलब। तो बस अभी नहाएंगे धोएंगे फिर बाहर निकलेंगे, पहले ब्रेकफास्ट ऑर्डर करेंगे, नहा के खाएंगे बढ़िया और फिर जाएंगे। और फिर यहाँ के भी जो कॉमन प्लेसेस है देखने के लिए जो काफ़ी मशहूर है, चाहे वो घूमने की हो, खाने की हो, पीने की हो, वो सारी जगह आपको दिखाएंगे। बस अब हम कर रहे हैं हमारा सबसे फेवरेट काम और वो है ब्रेकफास्ट ऑर्डर। बहुत सारे ऑप्शन है इनके पास में, अभी टाइम भी 1 बजे है, लेट्स सी ब्रेकफास्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। तो गाइस ये हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है। ब्रेकफास्ट में हमने मंगाई है ये मैगी, यहाँ पर है हमारा गोभी का पराठा, फिर है ये हमारे छोले और साथ में पूरी, और ये है ब्रेड बटर, और ये साथ में हमने मंगवाई है इसमें कॉफी। तो फिर कॉफी डालेंगे, जूस मांगा था वैसे तो पर जूस मिला नहीं, तो लेट्स हैव कॉफी। गर्मा गर्म कॉफी और ठंडा ठंडा ब्रेडर कॉम्बिनेशन। देखो वैसे तो ना ये कहते हैं ब्रेकफास्ट इनका बाहर ही होता है, अलाउ नहीं है रूम में करना, लेकिन जस्ट फॉर अस दे अलाउड अस, तो इट्स वेरी स्वीट ऑफ देम। तो सबसे पहले तो पहाड़ों में आए हैं तो मैगी तो खानी बनती है, बेस्ट है फर्स्ट बाइट। हमने मंगाई है वेज मैगी। सावन लग गया है, सावन लग गया इसलिए। हाँ बहुत टेस्टी है, प्रॉपर टेस्ट आ रहा है मतलब मसाले का, जैसे ही सारे मसाले डालने पर ना मैगी मसाले का टेस्ट नहीं आ रहा, प्रॉपर मैगी मसाले का टेस्ट आ रहा है। बड़ी मुश्किल से सुबह से बारिश अब रुकी है, तो अब हम जा रहे हैं फाइनली बाहर। वैसे तो अभी 6:30 बज गई है, तो अभी इनका जो नक्की लेक है वहाँ हम जाएंगे, वहाँ का मार्केट घूमेंगे, अभी इतना टाइम है नहीं हमारे पास में। तो लेट्स सी माउंट आबू का नक्की लेक और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती है, काफ़ी खाने के फेमस जॉइंट्स भी हैं वहाँ पर। तो गाइस ये है तुलसी सॉफ्टी बन गई। तो गाइस ये आ गई हमारी चोको बॉम्ब, कैसी लगी तुमको? मस्त है ना यार, मस्त है इनकी आइसक्रीम बहुत। ऊपर चॉकलेट का फ्लेवर है, शॉर्ट्स है और अंदर है स्ट्रॉबेरी। एड्रेस है शॉप का नेम मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, चेक कर लेना, चलते नेक्स्ट शॉप पर। तो गाइस ये हम एंटर हो रहे हैं नक्की झील के अंदर, और अभी जस्ट बारिश खत्म हुई है और हमारे पास है आइसक्रीम। गाइस यहाँ तो ना भी बहुत तेज बारिश होती है, तो काफी ज्यादा पानी भर गया है, तो हमने वेट कर रहे हैं। मैं रोक गया आगे गाड़ी लेने के लिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये पूरा पानी भर गया है और इसलिए हम निकल रहे थे वापस होटल थोड़ी देर में। वहाँ पे हमारा एक
म्यूजिक वगैरह है, डिनर करेंगे। तो गाइस हम हो गए हैं रेडी। नहीं, हमारा जो ब्रेकफास्ट करना है, ये है हमारा अचार, दिस इज पराठा, पोहा, सैंडविच एंड दिस इज ब्रेड बटर, जिसमें हमने स्पेशली कहा था बटर अच्छे से लगाना। कॉफी हमारी आ गई है और साथ में ये है हमारे दो कप। नाउ लेट्स हैव ब्रेकफास्ट। ये तो गाइस हमें अचलगढ़ फोर्ट के यहाँ पे मिली एक आंटी, उनसे हमने लिए आइसक्रीम 40 रुपए की। अगर आप आ रहे देखो इस रास्ते पे तो आपको मिल जाएंगे। गए वाली गाइस हम हैं अभी आबू में और हम यहाँ बना रहे हैं कुछ स्पेशल चीज़। तो नॉर्मल है बट स्पेशल है, और ये 4 महीने से ना मेरे बैग में पड़ा पड़ा सड़ रहा है, और इसमें आज हम आपको खिलाएंगे एक बढ़िया सी मैगी बनाकर। अभी चीज़ इतनी शानदार है ना, मैं आपको दिखाती हूँ, आप कहीं भी बाहर जा रहे हो या किसी भी टूर पे जा रहे हो घूमने करने, तो इट कैन हेल्प यू अ लॉट। ये एक छोटा सा स्टोव है, जस्ट सी दिस, ये इसके ऐसे विंग्स खुल जाते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी, इसका ना ऑटोमेटिक, इसके अंदर वो लाइटर नहीं होता है, वो आया हुआ है, कोई माचिस तल्ली की जरूरत नहीं है, अपने आप जल जाएगा। इसके साथ में आता है ये सिलेंडर, आपको आराम से अमेजोन पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसको ना अपन को नॉर्मल इसके अंदर अटैच करना होता है, अटैच करके मैं आपको दिखाऊंगी, और बस आपका जो स्टोव है वो तैयार है। देखो कुछ नहीं करना है, इसको ओपन करना है, अभी छेद दिख रहा है यहाँ पे, ऐसे इसको फिक्स कर देना है, और ये देखो लॉक है यहाँ पे, ऐसे लॉक हो जाएगा। तो गाइस लुक हमने क्या किया है, हमने बनाई है मैगी, माजा, चिप्स, सब कुछ हमारे पास में, और वी आर एंजॉयिंग आवर मैगी इन दिस ब्यूटीफुल वेदर। यहाँ पे हो रही है बारिश। हम आ गए थे बाहर से घूम के और अब खा रहे हैं अपना खाना। हमने मंगाया है इनका पालक पनीर, रायता, दिस इज काजू करी, सैलड, पापड़, और हमने मंगाई है चपातीस बटर वाली। हम आए यहाँ पे अंबिका गुजरात नाश्ता सेंटर पे, और काफी यूट्यूब वीडियोस में इनकी देखते रहते हैं। हाउस फुल है गाइस यहाँ पे, ये भीड़ देख लो, और ये है भैया जो पराठे बनाते हैं, खतरनाक भीड़ हो रही है, देखते हैं सीट मिलेगी नहीं मिलेगी। ऑर्डर कर दिया इनका आलू चीज पराठा, और इसके चीज आलू, और उसमें आती है 7 तरह की चटनियाँ। अभी आई है हमारे पास 1, 2, 3, 4, और ये पराठा। लेट्स सी, आई एम सो एक्साइटेड टू ट्राई दिस। दो चटनियों का और वेट कर रहा हूँ। मिर्ची काटवा खाना भाई, लहसुन वाली, हाँ? ये टमाटर वाली, अच्छा। ये सलाद, हाँ? ये दही, ये पूरी सलाद, ये लहसुन पूरा मिर्ची, अच्छा। सलाद, तो ये आ गया अपना प्याज वाला सलाद, दिस इज द 7th थिंग जो पराठे के साथ में आती है। बस ये है अपना आलू चीज पराठा, इसके अंदर आलू की स्टफिंग है, ऊपर चीज है, और साथ में बटर। पहले ट्राई करेंगे बिना चटनी के, थोड़ा धीरे फ्लेवर कैसा है वो देखेंगे। अगर आप मांगो तो आप ये पराठा बिल्कुल ट्राई करना है, आप ट्राई कर दें चटनी के साथ में, मतलब ये है टमाटो वाली चटनी। अब बाकी चटनी ट्राई करेंगे, इनका स्पेशल मिर्ची और साथ में उन्होंने लहसुन दे रखा है, और ये फ्राई किया हुआ। पराठा खा के तो मज़ा आ गया, साथ में जो डिप्स दिए ना वो भी मस्त है।
और डिप की वजह से इनका जो पराठा है थोड़ा स्पेशल है। तो गाइस हमने कर लिया अपना नाश्ता अंबिका फूड सेंटर के ऊपर। अगर आप यहाँ पर हो तो आप डेफिनेटली इनका आलू चीज़ पराठा खाना, वहाँ भी बढ़िया है, लाइट और दोनों नाश्ता आपको मिल जाएगा। अब जा रहे हैं हम अपनी बस लेने के लिए। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप इट विल हेल्प यू इन एनी वे। अगर आबू जाओ तो जरूर देख के जाना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हाँ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। बाय बाय।